मुझे उम्मीद है कि सब लोग छोटी मोटी चीजें उनको भूल करके एकजुटता। समाजवादी पार्टी के नेता मोहिबुल्ला नदवी इन दिनों चर्चा में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नदवी को रामपुर से प्रत्याशी बनाया है। हाल ही में उनका दिया गया बयान काफी सुना जा रहा है। मोहिबुल्ला नदवी ने अपने बयान में कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का समर्थन मिलेगा और पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें रामपुर में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग छोटी मोटी चीजें भूल करके एकजुटता के साथ सब लोग हमारे साथ शामिल। गैर का लफ्ज ही मुनासिब नहीं होता। हम सब भाई हैं। कोई अपना कोई गैर नहीं है। जो भी भारत की हमारे मुल्क की जमीन में पैदा हुआ उससे हमारा रिश्ता भाइयों जैसा होना चाहिए। ये गैर का लफ्ज ही नहीं होना चाहिए। इमाम साहब वहाँ पर एक बड़ी शख्सियत हैं आजम खान साहब, आपको लगता है कि उनका पूरा ताउन आपको होगा इस इलेक्शन में, पूरा सपोर्ट? उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है इंशाल्लाह। उनका यह बयान तब सामने आया है जब रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी को उतारने के बाद आसिम राजा ने भी खुद के सपा प्रत्याशी होने का दावा करते हुए पर्चा दाखिल कर दिया था। इससे इस बात को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई थी कि आखिर सपा का अधिकृत प्रत्याशी कौन है। हालांकि शाम को पार्टी नेतृत्व ने नदवी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया था। आसिम रजा को आजम खान का करीबी माना जाता है। उनके पर्चा दाखिल करने के बाद सियासी गलियारों में एक सवाल उठने लगा था कि क्या अखिलेश यादव के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं आजम खान। हालांकि पार्टी की ओर से नदवी को प्रत्याशित घोषित किए जाने के बाद सब कुछ साफ हो गया था। आसिम रजा के मैदान में उतरने के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें होने लगी थी। आसिम रजा वह 2022 में आजम के विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए चलते हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।